नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे अद्भुत और रोमांचक चीजें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े सांपों की। ये सांप इतने विशाल हैं कि इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सांप इतने बड़े हैं कि इनके सामने आपकी फेवरेट एक्शन हीरो की फिल्में भी फीकी पड़ जाएंगी। इनकी ताकत और आकार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि सांप बस छोटे मोटे जीव होते हैं जो चूहे खाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको दिखाएंगे कि ये सांप कितने खतरनाक और शक्तिशाली हो सकते हैं। तैयार हो जाइए अपने होश उड़ाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे ऐसे सांप जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सांप इतने विशाल काय हैं कि इन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो फिर देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं इन विशालकाय सांपों के बारे में। प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर टाइटानोबोआ, जो प्रीहिस्टोरिक काल का एक दानव सांप था। ये सांप इतना बड़ा था कि आज के जमाने के अजगर इसके सामने बच्चे लगेंगे। कल्पना करो, 42 फीट लंबा सांप, यानी एक बस से भी बड़ा, और वजन 2500 पाउंड, मतलब एक कार से भी ज्यादा। शुक्र है कि यह सांप आज के जमाने में नहीं है, वरना तो हम सबकी खैर नहीं थी। ग्रीन गोस्ट ऑफ अमेज़न, ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे भारी सांप है। यह सांप अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है और 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका वजन 550 पाउंड तक हो सकता है, यानी एक बाइक से भी ज्यादा। ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मारता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है। सोचो, अगर ये सांप किसी इंसान को जकड़ ले तो क्या होगा? किंग ऑफ हाइट रेटिकुलेटेड पाइथन, जो अपनी अद्वितीय लंबाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप है और इसकी लंबाई आपको हैरान कर देगी। यह सांप 33 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी एक क्रिकेट पिच से भी लंबा। सोचिए, एक ऐसा सांप जो एक पूरे क्रिकेट मैदान को पार कर सकता है। रेटिकुलेटेड पाइथन दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और इसका वजन 350 पाउंड तक हो सकता है। यह सांप अपने विशाल आकार और वजन के कारण जंगल में एक प्रमुख शिकारी है। यह सांप अपने शिकार को जकड़कर मारता है और फिर धीरे धीरे निगल जाता है। इसकी शिकारी तकनीकें बेहद प्रभावशाली हैं। कभी कभी तो यह सांप हिरण और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी निगल जाता है। इसकी भूख और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। यह सांप अपने शिकार को पूरी तरह से निगलने की क्षमता रखता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। रेटिकुलेटेड पाइथन न केवल जमीन पर बल्कि पानी में और पेड़ों पर भी आसानी से घूम सकता है। यह सांप अपने एनवायरमेंट में पूरी तरह से ढल जाता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी भी सिचुएशन में तैयार रहता है। यह सांप समय समय पर अपनी स्किन भी बदलता है, जो इसकी ग्रोथ और हेल्थ का सिग्नल है। रेटिकुलेटेड पाइथन को कैद में भी रखा जा सकता है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। यह सांप अपने आकार और ताकत के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। बर्मीज पाइथन टेरर ऑफ फ्लोरिडा, जो 23 फीट तक लंबा और 200 पाउंड तक वजन का हो सकता है। यह सांप दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है, लेकिन अब यह फ्लोरिडा में भी पाया जाता है। फ्लोरिडा में बर्मीज पाइथन की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि यह वहां के स्थानीय जीवों के लिए खतरा बन गया है। यह सांप चूहे, खरगोश और यहां तक कि हिरण जैसे जानवरों को भी खा जाता है। सेवर ऑफ अफ्रीका, अब हम जानेंगे अफ्रीका के एक अद्भुत और रहस्यमयी जीव के बारे में। अफ्रीकन रॉक पाइथन सेवर ऑफ अफ्रीका, जो अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन, जो 20 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई और ताकत इसे एक यूनिक हंटर बनाती है और इसका वजन 250 पाउंड तक हो सकता है। यह सांप अपने भारी वजन और लंबाई के कारण बहुत ही प्रभावशाली दिखता है। यह सांप अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, खासकर जंगलों और घास के मैदानों में। यह अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाता है और
और अपने शिकार को जकड़ कर मारता है। यह सांप अपने शिकार को कसकर लपेटता है और धीरे धीरे उसकी सांस रोक देता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन को अक्सर चट्टानों के पास देखा जाता है जहां ये अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ये धूप सेंकने के लिए चट्टानों पर आते हैं जिससे इन्हें ऊर्जा मिलती है और ये अपने शरीर को गर्म रखते हैं। ये सांप इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर इन्हें छेड़ा न जाए तो ये आम तौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अफ्रीका में हैं और इस सांप को देखते हैं तो सावधानी बरतना जरूरी है। यह सांप अपने एरिया की प्रोटेक्ट करता है और इसे परेशान करने पर आक्रामक हो सकता है। प्राइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एमेथिस्टीन पाइथन, जो 16 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और अपने शिकार को जकड़ कर मारता है। एमेथिस्टीन पाइथन को अक्सर पेड़ों पर क्लाइम करते हुए देखा जा सकता है जहां ये पक्षियों और चमगादड़ों का शिकार करते हैं। ये सांप इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनसे दूर रहना ही बेहतर है। प्राइड ऑफ इंडिया इंडियन पाइथन, जो 20 फीट तक लंबा और 150 पाउंड तक वजन का हो सकता है। ये सांप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में पाया जाता है। इंडियन पाइथन को अक्सर पानी के पास देखा जाता है जहां ये मछली, मेंढक और सांप जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। ये सांप इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनसे दूर रहना ही बेहतर है। वाटर हंटर येलो एनाकोंडा, जो 15 फीट तक लंबा और 120 पाउंड तक वजन का हो सकता है। ये सांप दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और अक्सर पानी के पास देखा जाता है। येलो एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ कर मारता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है। ये सांप मछली, मेंढक और सांप जैसे जानवरों का शिकार करता है। पेट स्नेक लीडर बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, जो 13 फीट तक लंबा और 100 पाउंड तक वजन का हो सकता है। ये सांप मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर अपने शिकार को जकड़ कर मारता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है। ये सांप चूहे, खरगोश और पक्षी जैसे जानवरों का शिकार करता है। किंग ऑफ पॉइजन किंग कोबरा, जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। किंग कोबरा का जहर इतना जहरीला होता है कि ये एक ही बार में 20 लोगों को मार सकता है। ये सांप अक्सर दूसरे सांपों का शिकार करता है, इसलिए इसे किंग कोबरा कहा जाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े सांप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इन सांपों को देखकर दंग रह गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और रोमांचक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।